हाय मेरे बच्चों, कैसे हो? दे दिया नीट, कर ली किला फतेह। क्या सीखा ये वाला नीट देकर? क्या सीखा? मैंने कुछ सीखा, कल का पेपर सॉल्व कर, उसका एनालिसिस कर। आई डोंट नो व्हाट मैंने क्या सीखा, आई शेयर इट विद यू। मैंने ये सीखा कि आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को मास्टर करना। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से था, हर बार यही बोलती हूँ, और इसीलिए हर बार मैं एनसीईआरटी से ही तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ। उसमें स्टार क्वेश्चन मार्क तुम्हें मार्क कराती हूँ। क्यों स्टार क्वेश्चन मार्क मार्क कराती हूँ? बिकॉज वो लाइनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं, और आए क्वेश्चन उन लाइनों में से। वो 7% वाला ग्लूकोज वाला क्वेश्चन आया एनसीईआरटी की लाइन में से, हमने पढ़ा था कि वो आएगा। ठीक है, आपका वो N15 N14 वाला कि किस किस जनरेशन में किस में नहीं होगा, वो आया। ठीक है, और उस एनसीईआरटी को सिर्फ मार्क नहीं करना है, हमें उसके छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस भी बनाने हैं। यू नो वी हैव टू मेक इट इलस्ट्रेटिव बायोलॉजी, ड्रॉ इट टू नो इट, मेक छोटे 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 डायग्राम्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट, ऑफ अ फ्लो, ऑफ अ फिजियोलॉजी, ऑफ अ प्रोसेस, ऑफ एनी फैक्ट, कि आपको वो याद रहे, कि आप एक झलक उसको देखो, जिसको हम अपने फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं। लेट्स प्रिपेयर देम इन टाइम, टाइमली करो उन चीजों को। आखिरी का एक हफ्ता रह जाता है, फिर तुमको याद आता है मैं क्विक रिवीजन कैसे करूं। दिस नोट मेकिंग इन टाइम इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लास्ट टाइम फॉर क्विक रिविजन्स। प्लीज उसको इतना डीले मत करो, टाइमली शुरुआत से हमने उसको पक्का करना है। एक एक लाइन से हमें अपने स्टार क्वेश्चन मार्क मार्क करने हैं, प्रीवियस ईयर्स मार्क करने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मार्क करने हैं, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाने। दूसरी चीज, रट्टा नहीं चलेगा बेटा, भी बहुत आ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया है, और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, और 2 हफ्ते पहले ही बोल दिया था जब हम अपने Q&A हमने अपने खत्म करे थे। क्या कि जैसा बोर्ड का पेपर आया है तुम्हारा, वैसा ही पेपर नीट का आएगा, एनालिटिकल बेस पेपर आएगा। तुम लोग प्लीज उसको ध्यान रखना, अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के रखना, ठीक है? एंड हमने अपने कॉन्सेप्ट्स अब पक्के कैसे करने हैं? अगर मैंने अपनी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ी है, मैंने उसका एक ट्रू स्टेटमेंट निकालना है, एक फॉल्स स्टेटमेंट बनाना है, खुद से बनाना है। पढ़ते हैं हम टैक्सोनॉमिकल एड में कि व्हाट इज की, इट्स एनालिटिकल टैक्सोनॉमिकल एड विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस, सिलेक्शन और रिजेक्शन। तो हमें अपनी कॉन्सेप्ट की बनानी है ना? फॉल्ट बुक तो बनानी बनानी है, टेस्ट दे देकर जो हम गलतियां करते हैं, जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी। अभी हमें अपनी की भी बनानी है, एक ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। हर स्टेटमेंट का अपना एक, इसके लिए ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, ऐसे बना सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि सारे एनालिटिक हमारी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हमारी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, व्हिच इज करेक्ट व्हिच इज इनकरेक्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड होगा हर कॉन्सेप्ट के लिए, तो वी आर रेडी। हमारे लिए कोई वो फॉरेन लैंग्वेज नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हमें पता है ये तो ट्रू है ये फॉल्स है। तो हमें अपना की बनाना है, वी हैव टू वर्क ऑन मेकिंग आवर ओन टैक्सोनॉमिकल एड, आवर ओन बायोलॉजिकल नीट की। यस, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को बहुत दिक्कत आई, मैम बहुत लेंथी पेपर था, मैम रीड करने में बहुत टाइम लग गया, चूज करने में बहुत टाइम लग गया, फिजिक्स छूट गया, केमिस्ट्री छूट गया, बायो पूरा नहीं हो पाया। बिकॉज इतना पढ़ना, लाइनों में पढ़ना, एनालिसिस करना, स्पीड नहीं है। टाइम्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्यों मैं कहूट कराती हूँ, क्यों मैं क्विज कराती हूँ, क्यों तुमको 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलती थी मैं, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी रीड बिटवीन द लाइंस अच्छी हो। मैम इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट है, मैं इतने टाइम में कैसे पढ़ेंगे? बेटा ऐसे इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन विच इज एक्यूरेट, रीड बिटवीन द लाइन विच इज एक्यूरेट, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट एट द सेम टाइम एंड मेक द राइट जजमेंट। वी हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड इट विल कम विद ओनली प्रैक्टिस। तुम बोलो कि ओवरनाइट, अरे मेरे को तो जादू की छप्पी मिल गई, मैं तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। नो, इट डजंट हैपन ओवरनाइट, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड यू हैव टू डू टाइम्ड प्रैक्टिस। जल्दी पढ़ो, ट्राई टू रीड न्यूज पेपर्स एंड देन एनालाइज कि क्या तुम्हें वो न्यूज समझ में आई जो तुमने पढ़ी रीड द बिटवीन टाइम करके। हर चीज कई बार ना बायोलॉजी पढ़ के ही नहीं आती है, क्यों बोलते हैं बचपन से 5th क्लास से कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, फॉर द सेम रीजन। ठीक है, क्यों बोलते हैं कि एडिटर्स पेज पढ़ा करो से तुम इस बात पर इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, एडिटर्स पेज पढ़ो तुम्हारी एनालिटिकल पावर अच्छी हो जाएगी, मैं कहती हूँ। यस,
So this is the crux that we have learned from our NEET 2022. हमें टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें कंट्रास्टिंग ट्रू फॉल्स और कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं, हमें रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है। बायोलॉजी को सबको लगता है रट्टा रट्टा है, फैक्ट बेस आती है, कितने फैक्ट बेस क्वेश्चन आए, ठीक है। यू हैड ओनली ओनली 40% पेपर विच वॉज इजी प्रीवियस ईयर बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, वो भी डायरेक्ट नहीं थे, ठीक है। 40% पेपर वॉज योर मीडियम लेवल, डिफिकल्ट नहीं था, एनालिटिकल था। 20% पेपर वॉज ट्रिकी, आई वोंट कॉल इट डिफिकल्ट, इट वॉज ट्रिकी, दे जस्ट प्लेड विद वन और टू वर्ड्स हियर एंड देयर, एंड अभी भी कुछ कॉन्स्पिरेबल आंसर्स है विच वी आर वेटिंग फॉर द एनटीए का आंसर की टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज एवरीबडी हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड देयर ओन एक्सप्लेनेशन फॉर इट, सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। बट वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थ्री थिंग्स एंड प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू डू इट। Yes, as I always say, let's just do it.